अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं और पान फ्लेवर आपका फेवरेट है तो ये रेसिपी आपके लिए है। चाहे आपको पान कुल्फी जमानी हो या पूरे परिवार के लिए फैमिली पैक बनाना हो, आप इस रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ 4 पान के पत्तों और 1 ग्लास दूध का इस्तेमाल करके ही मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो चलिए आज हम पान आइसक्रीम बनाना सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता सारडा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर हम डालते हैं हमारा ये फुल क्रीम दूध। अब इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से आइसक्रीम की बाइंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है और टेक्स्चर पीस का अच्छा हो जाता है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ डाले हैं और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट जो होता है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है और हमें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ जैसे कि बिस्किट या केला ऐड करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, मिल्क पाउडर भी मिक्स हो गया है। अब हम फाइनली गैस को टर्न ऑन करते हैं और गैस पर रखते हैं हमारी ये कढ़ाई। अब इस तरीके से धीरे धीरे चलाकर आपको अपने दूध को पकाते रहना है ताकि ये अच्छे से कंडेंस हो जाए। दोस्तों, दूध को चलाते रहिए बीच बीच में ताकि ये चिपके नहीं। अब जब ये हल्का कंडेंस हो जाए ना कुछ ऐसा, तब आपको इसके अंदर डालनी है शुगर। तो ये इसके अंदर मैं शुगर डाल देती हूँ। दोस्तों, कुछ लोग इस स्टेज पर केला भी मैश करके डालते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो आप केला डाल सकते हैं। केले का टेस्ट या फ्लेवर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पान आइसक्रीम है तो पान की महक बहुत ज़्यादा होगी। अब हम इसको कुक होने देते हैं कुछ देर और हम चलते हैं पान की तरफ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 पान के पत्ते लिए हैं और इन्हें मैंने धोकर रख लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड करके मैं इनके डंठल जो है वो हटा देती हूँ। दोस्तों, जब तक मैं ये पत्ते काट रही हूँ ना, तब तक मैं आपको पान के फ़ायदे भी बता देती हूँ। सर्दी जुकाम हो या फिर किसी के हार्ट डिजीज़ हो तो पान के पत्ते एकदम औषधि की तरह काम करते हैं। अगर फाइलेरिया हो, शारीरिक कमजोरी हो, किसी को बुखार आता हो तो भी पान का पत्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, औषधि के रूप में काम आता है। तो आपको पान के फ़ायदे भी पता चल गए, काफ़ी ठंडा भी रहता है ये शरीर के लिए और बातों बातों में हमारे जो सारे पत्ते हैं वो भी रेडी हो गए। अब मैं इनको इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ और रफली इन्हें चॉप कर लेती हूँ क्योंकि बेसिकली हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, तो अगर ये बड़े बड़े हुए अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं कैंची की मदद से इनको छोटा छोटा काट लेती हूँ। मैं हमारे सारे पत्तों को इसी तरीके से काट लूँगी। दोस्तों, ये जो रेसिपी है ना, आप इसका इस्तेमाल पान शॉट या फिर पान का शेक बनाने के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि आप आइसक्रीम खाते हैं, सबको खिलाते हैं और आइसक्रीम बच जाती है, तो ऐसे में आप उस आइसक्रीम को डालें दूध के अंदर और मिक्सर में चला दें, आपका पान शेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइसक्रीम एक और रेसिपी अनेक, है ना कमाल दोस्तों। तो ये मैंने पान के पत्ते भी चॉप कर लिए हैं आपको फ़ायदे बताते बताते। अब इन्हें हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर मैंने ली है मलाई, गुलकंद और सौंफ। आप सभी जानते हैं कि मलाई और गुलकंद जो होता है वो शरीर के लिए ठंडे रहते हैं और सौंफ भी काफ़ी ठंडी रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप बाज़ार से मिल्क क्रीम भी ला सकते हैं। अब ये मैंने एक मिक्सचर जार लिया है और इसके अंदर मैं हमारे पान के चॉप किए हुए पत्ते डाल देती हूँ। पान के पत्ते मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने इसमें डाला है सौंफ और ये गुलकंद भी मैं इसमें डाल देती हूँ और मलाई भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये दूध ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ग्राइंड होने के बाद पान का ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है दोस्तों। और इसके अंदर हम डालते हैं हमारा ग्रीन कलर का फूड कलर, बिल्कुल थोड़ा सा लीजिए और ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस पूरे पेस्ट को हम मिक्स कर देते हैं हमारे कंडेंस दूध के अंदर। दोस्तों, कंडेंस होकर दूध जो है वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी रबड़ी जैसा हो जाता है और उसके अंदर जब आप ये पूरा पेस्ट डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आता है, आप खुद देख सकते हैं। अब मैंने लिया है
एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसके अंदर हम आइसक्रीम जमाएंगे। अगर आपको फैमिली पैक नहीं बनाना है, सब लोगों के लिए अलग अलग से कुल्फ़ी बनानी है, तो आप कुल्फ़ी वाले सांचे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फैमिली पैक रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये डिब्बा लिया है। अब मैं इस पर डालती हूँ, ये कुछ पान के पत्ते की कटिंग है जो मैंने रख ली थी, वो मैंने इसमें डाली है। आप चाहें तो डालें या चाहें तो ना भी डालें। पान के पत्ते की कटिंग इस पर डालने के बाद मैं इस पर डालती हूँ टूटी फ्रूटी। बच्चों को ये बहुत पसंद होती है, आप चाहें तो रोस्टेड जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट क्लिपिंग्स डाल रही हूँ और इसमें मैंने बादाम, काजू और पिस्ते लिए हैं। आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम डब्बे को इस तरीके से पैक कर देंगे। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल लगाएं, वरना ऊपर जो ढक्कन आता है वो लगा सकते हैं। अब दोस्तों, पूरे एक रात के लिए मैंने इस आइसक्रीम को जमने के लिए रखा और अगले दिन जब मैंने इसे खोला तो देखिए कितना शानदार हमारा फैमिली पैक बनकर रेडी हो चुका है। फ्रिज से निकालने के बाद प्लास्टिक के डब्बे को 2 मिनट के लिए पानी के अंदर डालें, आपकी जो आइसक्रीम है वो ईजिली बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, हमारी ये पान फ्लेवर आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालकर हम इसे डेकोरेट कर देंगे और फिर आप जब चाहें जैसे चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ईजीली ये रेसिपी मैंने आपको बनानी सिखा दी है और बहुत ही फटाफट ये बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल क्रीमी बनेगी, बिल्कुल टेस्टी बनेगी अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए ना तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको सिखाते हैं बहुत ही कम सामान में बहुत ही आसान रेसिपीज़ बनाना। और दोस्तों, इसी तरह की रेसिपीज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हाँ, कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आइसक्रीम के और कौन कौन से फ्लेवर हैं जो आप टेस्ट करना चाहते हैं, घर पर आप उनके आइसक्रीम जमाना चाहते हैं, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से और कम सामान में आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।